नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं सोनू। रीवा सतना फोर लाइन सड़क का निर्माण कराया गया, जो आज भी कई जगह अधूरा है। इस सड़क से जहां लोगों को कुछ सुविधाएं मिली तो वहीं आफत ज्यादा खड़ी हो गई है। आफत सड़क से नहीं बल्कि अधूरे कार्य के चलते हो रही है। आए दिन निर्दोषों की जाने जा रही है। घटना के जनप्रतिनिधि शोक संवेदना प्रकट कर फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ ले रहे हैं। दरअसल रीवा से सतना तक बनी फोर लाइन सड़क में चौराटा से बेला तक सर्विस लाइन प्रस्तावित है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को काटने और घरों को गिराने के बाद ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों ने इस रास्ते को भुला दिया, जिसका खामियाजा अब आसपास के रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। दरअसल इस सड़क के दोनों तरफ गांव और बस्तियां हैं। गांवों की अप्रोच रोड है, जिनसे लोग मुख्य सड़क पर चढ़ते हैं और तेज रफ्तार निकलने वाले इस मार्ग के वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन निर्दोषों की जाने जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि या तो इस सड़क पर स्पीड निर्धारित की जाए, या स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं, या फिर शीघ्र सर्विस लाइन का कार्य पूर्ण कराया जाए, जिससे निर्दोष लोगों की जानें बच सके। इस संबंध में हमारे चैनल हेड ने स्थानीय जागरूक लोगों से बात की तो उन्होंने घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए शीघ्र निर्माण कार्य कराने की मांग की है। आइए आपको ले चलते हैं चौराटा, जहाँ हमारे चैनल के साथ मौजूद है यहाँ के निवासी। ये रीवा से सतना फोर लाइन रोड है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट सब दुर्घटनाएं होती। क्या वजह है, क्या मानते हैं, किस कारण से एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं? रोड बना दी गई पर लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं दी गई। जितने कॉमर्शियल संस्थान है, व्यावसायिक संस्थान है, वो अवैधानिक रूप से ऊपर से नीचे आते जाते हैं। उनके कारण जब गाड़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो लोग स्वाभाविक है अपने बचने के लिए जाते हैं, तो या तो डिवाइडर में टकराएंगे या फिर गाड़ी मोटर में टकराएंगे, मौत निश्चित है। उसी का परिणाम है कि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। अभी एक हफ्ते के अंदर एक लड़की जो कि स्कूल से पढ़ के आ रही थी और 10th क्लास की स्टूडेंट थी, उसकी बेमौत मौत हो गई। इतनी दर्दनाक हादसा रहा कि उसको देखने में पूरी रूह कांप जाती है। क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? लापरवाही निश्चित रूप से है कि शासन बनाने की जब मंशा, रोड बनाने की मंशा थी तो पब्लिक को आने जाने की सुविधाएं भी देनी चाहिए थी। अग्डाल गांव में बाईपास प्रस्तावित है, अप्रोच रोड बना हुआ है पर अप्रोच रोड आज तक नहीं बना, और पब्लिक ऊपर चढ़ती है बिना अवैधानिक रूप से, बिना रोड के, तो उसका परिणाम ही सामने आता है। इसके लिए राजनेता जनप्रतिनिधि अधिकारियों कोई नज़र नहीं है ना, कभी इन पर नज़र जाती ना कभी आते और देखे वो कभी? जनप्रतिनिधि तो नहीं कह सकते हैं, पर शासकीय जो मशीनरी है, जो लोग नहीं थे उनके घर धराशायी कर दिए गए, जो लोग थे डंडा लेके खड़े हो गए, उनके मकान आज भी खड़े हुए हैं, उनको दो पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके आज भी मकान है पर दो पैसे का मुआवजा, घर गिरा दिया गया, सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि उनकी मंशा थी व्यावसायिक, उनका टोल टैक्स मिलने लगा, अब सरकार जनता भाड़ में जाए, जनता मरे या जिए। किस तरह से दिक्कतें हैं? ये जो सर्विस रोड है इसको जो है तो पूरा बनाया नहीं जा रहा, क्योंकि अभी अभी दो चार दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, बच्ची ख़त्म हो गई, इसमें जो है तो ट्रक चढ़ गया है। ये हमारे अगडाल ही का हादसा है, तो ये हम सोच रहे हैं कि कम से कम ये उम्र तक आपका सर्विस रोड बन जाए, जिससे हम लोगों को तकलीफ ना हो। विकास के नाम पर फोर लाइन बनी, अच्छी चीज़ है बना, लेकिन हमारे लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। टू व्हीलर वगैरह रखे हुए, फोर व्हीलर रखे, इधर से उधर क्रॉसिंग करने में दिक्कतें होती है, क्योंकि सर्विस रोड बन जाए तो कम से कम आदमी किनारे किनारे आ जाए। सर्विस रोड के लिए पेड़ काट दिए गए, घर गिरा दिए गए, दिया गया मुआवजा भी कुछ दे दिया गया, कुछ मुआवजा भी नहीं दिया गया है, उसी के वजह से जो है तो ये सब रुका हुआ, इसको कोई ध्यान दे नहीं रहा। सर्विस लाइन न बनने के कारण किस तरह से दिक्कत हुई आप तो इसके शिकार? दिक्कत ऐसे हुई है 2020 में हमारा 19 मई को एक्सीडेंट हो गया, ये हवाई पट्टी के पास ये ब्रिज पुल न बनने के कारण। हमने नीचे जाते रहो सर से वाहन ट्रक आया, हमको मार करके चला गया और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमारी पांच पक्ती टूट गई, टाँका सप्ताह लगे, यहाँ मस्तक में चोट लगी, टाँका लगी है, वो ट्रक वाला फिर पकड़ गया, आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ। अब हमारी दवा कैसे हो जाए? घटना की वजह क्या मानते हैं, किसके कैसे क्यों का घटना हो रही है? घटना हो रही जो ब्रिज पुल न बने के कारण से, वो पुल बननी चाहिए कि इधर जाए रोड नीचे के, रोड नीचे से पब्लिक जनता चले जाए और ऊपर रोड हो तो ऊपर से वाहन जाते रहे। फोर लाइन बन गया लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल पा रही आने जाने की। जो नीचे की रोड भी बनी हो वो अभी अधूरी पड़ी है। विकास तो पूरा बताया जा रहा है कि पूरा विकास हो गया, बन गया, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आफत है, पब्लिक परेशान है,
हमारे कहने से एक्सीडेंट हो गया, हमारे परेशान हो गए, ना हम बेरोजगार आदमी, ना नौकरी, ना चाकरी, ना हमारे पास, ना हमारे बच्चों के पास, कहाँ से दवा हो, शासन कोई कदम नहीं। आप लोगों के घर जो हैं ये रीवा से सतना हाईवे पर बने हुए, किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं यहाँ, सर्विस लाइन ना बनने के कारण, सड़कों के कारण एक्सीडेंट जी हो रहे हैं? सर्विस लाइन ना बनने के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही हैं और रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होता है। अभी श्री कृष्ण बिहारी की नातिन ख़त्म हो गई, चार लोग थे, तीन लोग घायल हैं। अभी यहाँ पर एक जन राघवेंद्र शुक्ला जी हैं चौराहटा के, उनका 26 साल का बच्चा सर्विस लेन बनने के कारण ख़त्म होगा। ये बहुत दुखद घटना घट रही है। सर्विस लेन कुछ जगह बनी है, कुछ जगह अधूरी हैं, कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, शासन प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अतः इसका शासन प्रशासन ध्यान दे और तत्काल इस सर्विस लेन को कंप्लीट कराए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ना। सड़क के किनारे देखने को मिलता था, अच्छी खासा हरियाली रहती थी, बड़े बड़े पेड़ थे, सब पेड़ काट दिए गए, घर गिरा दिए गए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया रहा, पौधे सब गिरा दिए गए। अभी छोटे छोटे पौधे लगाए भी गए हैं लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे हैं उनको नहीं रोपा गया है और ना डिवाइडर कहीं से है, ना निकलने का है। आपको अगडाल आना है तो चौराहटा जाइए, तो चौराहटा से बड़े मुश्किल से अपोजिट में आइए और वो इसी कारण से एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं। रीवा से सतना बाईपास बना जिसे अपने बहुत बड़े विकास के रूप में गिना जाता है, लेकिन जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की गई, जिनके घर गिराए गए, पेड़ काटे गए, उनके लिए अब यही आफत बन गया है। किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जवानों की जाने जा रही है और सिर्फ इसमें लापरवाही है MPRDC और यहाँ के प्रशासन की, जिसके कारण से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता सुब्रत मणि जी हैं। किस तरह से दिक्कतें हो रही है, किस तरह से आप लोग आवाज़ उठाए और पहुँचाए किसी पर? आप देख रहे हैं लगातार ये रोड बनी, जैसा कि आप भाई ने कहा, टोल वसूले जाने लगे। रीवा बाईपास यहीं से जुड़ती है चौराहटा से और रतहरा तक, जो रीवा बाईपास है, आप सोच सकते हैं टोल वसूले जा रहे हैं। सिंगल एक तो बाईपास बना गया, अब वो फोर वे लेन बनेगी, वो माने जिंदगी भर दुधारू गाय बनी रहे हमारे यहाँ के विकास करने वालों के लिए, वो टोल का माध्यम बनी रहे और खूब पैसे आते रहें, लेकिन लोग मरते रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं रीवा सतना रोड, ये नेशनल हाईवे रोड थी और इसमें इस रोड को चौड़ीकरण किया गया। यहाँ पे सर्विस लेन बनाने का आप क्या PWD के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, रीवा में रीवा के हम माननीय जनप्रतिनिधियों से और कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, क्या टोल ये सर्विस लेन बनाने का उनके टेंडर में नहीं था? आप सोच सकते हैं ये सर्विस लेन है, ऐसी ये सर्विस लेन है? सर्विस लेन नहीं बनी हुई है, उमरी के लोग, अगडाल के लोग, एक पुल बनी हुई है उससे अगडाल के लोग जा सकते हैं। इधर अपने चौराहटा चौराहटी गांव रोड के इस पार जाने के लिए कोई भी वहाँ अंडर ब्रिज भी नहीं बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं लोग रोज़ माने यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन, हमारे पुलिस प्रशासन, शिल्पी प्लाजा, सिविल लाइन, यातायात थाना, सब जगह चेकिंग लग जाएंगी, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आप ये सोच सकते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय पुलिस के अपने कप्तान महोदय से मांग करना चाहते हैं, कमिश्नर साहब से मांग करना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से मांग करते हैं, रीवा संसद और रीवा के सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करना चाहते हैं, इस रोड में आप हर जगह सीमित स्पीड के बोर्ड लगवाइए कि गति सीमा कितनी है पूरी रोड में। आप रोड देखिए कैसे है, हिंदुस्तान में क्या ऐसी रोडें बनती हैं, एक तरफ ऊंची एक तरफ नीची रोड आप देख सकते हैं। चौराहटा में मुड़े तो लगता है कि बस मुड़ने वाला पलट जाएगा अगर ज़्यादा स्पीड में है तो। सर्विस लेन नहीं बनाई, हमारे यहाँ बच्चियाँ बिचारी पढ़ने जाती हैं स्कूल, यहाँ चौराहटा से लेके अगडाल माने स्कूल जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बेचारे काल के गाल में समा रहे हैं। हमारे यहाँ की एक बिटिया का एक्सीडेंट हुआ, उसके कितनी दर्दनाक घटना हुई। अभी अभी हमारे यहाँ हाल में एक लड़के का भी एक्सीडेंट इसी रोड में हुआ। मॉडल सड़क बनी, लोगों की जाने जा रही हैं, पेड़ काट दिए गए, घर गिरा दिए गए, लेकिन अब नेता अपने विकास के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए, फिर दिखाने के लिए कि विकास कार्य चल रहा है, इसके लिए फ्लाईओवर की सौगात की बात की जा रही है कि फ्लाईओवर का सौगात दिया गया, एक और विकास किया गया, लेकिन यह विकास कितना लाभकारी सिद्ध होगा वो देखने वाली बात होगी। विराट 24 के लिए रामानंद पांडे।